हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स से है और अपने आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब इंपॉर्टेंट है तो एक एक स्टेप इसका देखना बनता है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और हम लोगों को फाइनली करना क्या है। ठीक है, तो आते हैं चलिए क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में देखिए, हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि ओ बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, डी ई लाइन सेगमेंट का। जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस बात का मतलब क्या है कि ओ बी इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, साथ में इस डी ई लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब डी बी इज इक्वल टू बी ई, ऐसा हम लोगों को दिया है। फिर उसके बाद बोला गया है एफ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, देन प्रूव करिए, क्या प्रूव करना है कि 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 अपॉन ओ बी इक्वल टू 2 अपॉन ओ सी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग दो ट्राइंगल्स के साथ में। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, जरा ध्यान से देखिए। देखिए पहला ट्राइंगल ये ओ एफ ए, जबकि दूसरा ट्राइंगल हम लोग ले रहे हैं ओ डी बी, और इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस छोटे ट्राइंगल का जो ये एंगल है, एंगल ए, अगर इसको हम लोग एंगल वन कह दें तो बड़े ट्राइंगल के, देखिए कौन सा है बड़ा ट्राइंगल, दिस वन, तो इस बड़े ट्राइंगल के इस एंगल बी के इक्वल होगा। अगर इसको हम लोग टू कह दें तो एंगल वन और टू आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि हर एक कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग देखें तो इस छोटे ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल्स में देखो ये वाला जो एंगल होगा, एंगल ओ, वो कैसा है, कॉमन है, और अगर कॉमन है तो फिर दोनों में इक्वल होगा। इसका मतलब ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों ही कैसे हो जाते हैं, एक क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाते हैं। पहले इतनी कहानी हम लोग एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो कौन से दो ट्राइंगल्स को लेके हम लोग चल रहे हैं, ट्राइंगल ओ एफ ए एंड ओ डी बी। सो इन ट्राइंगल ओ एफ ए एंड ट्राइंगल ओ डी बी, राइट। तो क्या हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि एंगल वन ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल टू, राइट। तो क्या रीजन है इसका, दोनों ही ट्राइंगल्स में ये 90 डिग्री का एंगल है। फिर दूसरा हम लोगों ने पॉइंट दिया कि एंगल ओ ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल ओ ऑफ बिगर ट्राइंगल, और इसका रीजन क्या है कि भाई ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है एंगल। इसका मतलब एक क्राइटेरियन से हम लोग कह सकते हैं कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एफ ए इज सिमिलर ट्राइंगल विच वन ओ डी बी, और किस क्राइटेरियन से, एक क्राइटेरियन से। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, सिमिलर शो कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। लेकिन याद रखिए, प्रोपोर्शनल साइड्स में हम लोगों को सिर्फ वो साइड्स लेके चलनी है जिनकी हम लोगों को ज़रूरत है, उन साइड्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है, या फिर वो साइड्स हम लोग कंसिडर करेंगे जहाँ से हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए ये वाले जो पार्ट्स होंगे ना इन दोनों ट्राइंगल्स के, वो हम लोगों के काम के नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हें लीप कर देंगे। तो कौन से पार्ट्स हम लोग कंसीडर करेंगे, देखिए हम लोगों को OA, OB, OC, यानी कि ये वाले पार्ट्स हम लोगों को चाहिए, और यहां से हम लोग रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो ये वाले पार्ट्स हम लोगों को कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो जरा बताइए, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या हम लोग OF पार्ट ले सकते हैं, नहीं। देखिए ये वाला तो ये वाला पार्ट है ना, छोड़िए इसको, क्या कंसीडर करें, इसको कंसीडर कर लेते हैं। देयरफॉर ए एफ, और अगर इधर से हम लोगों ने ए एफ कंसीडर किया है तो इधर से करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, बी डी। ठीक है, सो ए एफ अपॉन बी डी मस्ट बी इक्वल टू ओ ए, अगर इधर से हम लोगों ने ओ ए उठाया तो इधर से क्या उठाना पड़ेगा, ओ बी उठाना पड़ेगा, करेक्ट है। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन नेम, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों ने शो किया कि ए एफ अपॉन बी डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी। ठीक है, अब आते हैं देखिए दूसरे दो ट्राइंगल्स पर, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स। तो देखिए ये वाला ट्राइंगल जो अभी हम लोग मार्क कर रहे हैं ब्लू कलर से, ठीक है, और दूसरा देखिए ये वाला ट्राइंगल, और इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एफ ए सी और ई बी सी, करेक्ट, मेंशन करते हैं सबसे पहले। सो नाउ इन ट्राइंगल विच वन, ए एफ सी, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है,
ट्राइंगल ए एफ सी लिखा है हम लोगों ने, बी ई सी करेक्ट है। सो इन दो ट्राइंगल्स को अब हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, और जब हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है, अगर इसको हम लोग नेम दे दें एंगल थ्री, तो इस ट्राइंगल के इस एंगल, अगर इसको हम लोग कह दें फोर, तो एंगल थ्री ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल फोर ऑफ दिस ट्राइंगल, क्यों, ईच 90 डिग्री भाई, ठीक है। और दूसरा हम लोग एंगल देखें इस ट्राइंगल में, तो देखिए ये वाला, अगर इसको हम लोग कह दें एंगल फाइव और इसको नेम दे दें हम लोग एंगल सिक्स, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। चलिए बात भी मैंशन करते हैं, तो भाई छोटे ट्राइंगल का एंगल थ्री इस बड़े ट्राइंगल के एंगल फोर के इक्वल है, और इसका रीज़न क्या है, दोनों ही ट्राइंगल्स में ये 90 डिग्री का है। फिर हम लोगों ने मैंशन किया कि एंगल फाइव ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल सिक्स ऑफ बिगर ट्राइंगल, इक्वल टू एंगल सिक्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इस तरीके से क्योंकि दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल है तो दोनों कैसे हो जाते हैं, सिमिलर। देयरफोर ट्राइंगल ए एफ सी इज सिमिलर ट्राइंगल व्हाट, बी ई सी, और किस क्राइटेरियन से, या अभी हम लोगों ने ए क्राइटेरियन लगाया, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, और याद वही रखना है कौन से पार्ट्स कंसिडर करने हैं जिनकी ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या हम लोग ए एफ उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं, तो हम लोगों ने इधर से क्या उठाया, ए एफ, और अगर इधर से ए एफ साइड कंसिडर करिए तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी ई, एंड दिस इक्वल टू, क्या हम लोग एफ सी उठा सकते हैं, देखिए एफ सी वाले पार्ट्स हैं, क्या इनकी ज़रूरत है, नहीं, ठीक है। तो क्या उठाए हम लोग, कौन से पार्ट्स, ये वाले पार्ट्स ए सी, तो यहाँ से जब हम लोग ए सी उठाएंगे तो इधर से करस्पॉन्डिंग साइड क्या मिलेगी, बी सी। बात यहाँ तक क्लियर है बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम लोग फिगर से देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ए एफ अपॉन बी ई, तो इस बी ई को अगर फिगर में फाइंड करें तो बी ई देखिए ये वाला पार्ट है, और बी ई किसके इक्वल है, बी ई बी डी के इक्वल है, चाहे तो बी ई के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, बी डी रख सकते हैं, चले रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए एफ अपॉन बी ई की जगह पे क्या रख दिया, अब हम लोगों ने बी डी पार्ट, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, एंड दिस इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर टू, और रीज़न भी डाल देते हैं क्या भाई, के बी डी किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है, तो बी डी इज इक्वल टू बी ई, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ मैंशन करी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए हम लोगों के सामने दो इक्वेशंस तैयार हो जाती है, इक्वेशन नंबर वन और टू। जब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन की ये वाली साइड इस इक्वेशन की इस साइड के इक्वल है, यहाँ भी क्या ए एफ अपॉन बी डी और यहाँ भी क्या ए एफ अपॉन बी डी। और कभी भी जब कोई भी दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, चले मैंशन करते हैं। तो सो बाई इक्वेशन नंबर वन एंड टू क्या बोला जा सकता है कि इस इक्वेशन की ये वाली साइड यानी कि ओ ए अपॉन ओ बी मस्ट बी इक्वल टू वॉट, ए सी अपॉन बी सी, राइट। तो हम लोगों ने शो किया कि ओ ए अपॉन ओ बी किसके इक्वल है, ए सी अपॉन बी सी के इक्वल है, क्या यही हम लोगों को चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए हम लोगों को ओ ए की ज़रूरत है, ओ बी की ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों को ए सी और बी सी कहीं भी प्रूफ की कंडीशन में नहीं दिख रहा ना, मतलब इनको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग देखें तो ओ ए चाहिए तो इसको तो चलो एज इट इज़ रखो, ओ बी चाहिए इसको भी ऐसे ही रखो, ए सी फिगर से देखने का काम करें तो ए सी देखिए ये वाला लाइन सेगमेंट है, और अगर ए सी ये वाला लाइन सेगमेंट है तो हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ओ सी में से ये वाला पार्ट कट कर दें, मतलब ओ सी इस पार्ट में से इस पार्ट को जब कट कर दिया जाएगा तो क्या रह जाएगा, ए सी लाइन सेगमेंट रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस ए सी के प्लेस पर हम लोग क्या रख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ ए, चलिए रखते हैं इसके प्लेस पर, तो यहाँ पर हम लोगों ने रखा ओ सी माइनस ओ ए, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी, और बी सी फिगर में देखें तो ये वाला पार्ट है, मतलब अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, ओ बी, और इस लाइन सेगमेंट में से इस लाइन सेगमेंट यानी कि ओ सी को कट कर दें, तो जब कट किया जाएगा तो ये वाला पार्ट रह जाएगा क्या, बी सी। इसका मतलब बी सी को हम लोग क्या रख सकते हैं, बी सी को लिखा जा सकता है ओ बी माइनस ओ सी, चले रखते हैं, तो यहाँ पे रखा ओ बी माइनस ओ सी, ठीक है। अब देखिए कैसी फॉर्म है,
ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी जैसी फॉर्म है, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ओ ए का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ होगा, एक बार मेंशन करते हैं, तो ओ ए का मल्टीप्लाई होगा ओ बी माइनस ओ सी के साथ में, बिल्कुल इसी तरीके से ओ बी का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ में, तो ओ बी का मल्टीप्लाई किया ओ सी माइनस ओ ए के साथ में, ठीक है। चलिए अंतर मल्टीप्लाई करें, ओ ए ब्रैकेट के बाहर है, जब ओ बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या लिखा जाएगा, ओ ए इंटू ओ बी, अगेन ओ ए का मल्टीप्लाई माइनस ओ सी के साथ करेंगे तो माइनस में ओ ए इंटू ओ सी हम लोगों को मिलेगा, एंड दिस इक्वल टू ओ बी का मल्टीप्लाई ओ सी के साथ करेंगे तो ओ बी इंटू ओ सी, अगेन ओ बी का मल्टीप्लाई ओ ए के साथ करेंगे तो प्लस माइनस, पहले तो माइनस हो गया, फिर ओ ए पहले लिख दो और ओ बी को बाद में लिख दो। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ओ ए इंटू ओ बी, और यहाँ भी ओ ए इंटू ओ बी है, तो ओ ए इंटू ओ बी वाले टर्म्स तो एक तरफ लेके जा रहे हैं और इन दोनों टर्म्स को हम लोग एक साथ रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, ओ ए इंटू ओ बी एज इट इज रखिए, इसको जब हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो प्लस ओ ए इंटू ओ बी, एंड दिस इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी एज इट इज, और इसको ट्रांसपोज किया गया तो प्लस पे आएगा, तो क्या लिखा जा सकता है, प्लस का ओ ए इंटू ओ सी, ठीक है भाई। अब ओ ए इंटू ओ बी प्लस ओ ए इंटू ओ बी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टू ओ ए इंटू ओ बी, सो टू ओ ए इंटू ओ बी, एंड दिस इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी प्लस ओ ए इंटू ओ सी, करेक्ट है। क्या यही चाहिए, नहीं चाहिए, तो अभी हम लोगों को जो चाहिए वो लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इस साइड को डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, टू ओ ए इंटू ओ बी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किस से, ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी से, इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ओ बी इंटू ओ सी, और नीचे ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी प्लस, और नीचे ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, ठीक है भाई। अब ओ ए ओ बी से ओ ए ओ बी कैंसिल हो गया, यहाँ ओ बी ओ सी से ओ बी ओ सी कैंसिल हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से ओ ए ओ सी, तो ओ ए कैंसिल हुआ, ओ सी कैंसिल हुआ, तो यहाँ से क्या बचता है, देखो यहाँ से ऊपर क्या बचा, टू, नीचे क्या बचा, ओ सी, सो दिस इम्प्लाइज कि टू अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचा, वन, और अपॉन में ओ ए रह गया, एन प्लस में देखिए यहाँ पे क्या रहा, वन अपॉन नीचे क्या बचा, ओ बी, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए यही प्रूफ करना था, इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर, तो क्या मिला हम लोगों को, वन अपॉन ओ ए प्लस वन अपॉन ओ बी इक्वल टू टू अपॉन ओ सी, और यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।